हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन अनदर न्यू वीडियो। भाई कैसे आप लोग सारे भाई को सबसे पहले जय श्री राम। और देखो आज हमारे साथ फिर से है मानसी। हेलो कर दो। हाय। तो यार देखो आज केशव आ रहा हमारे साथ, राइड पे तो जा नहीं रहे हम, ऐसे छोटा सा हम केशव के साथ मिलना है। तो मानसी का यार मन था यार राइड पे जाने का, तो मैंने कहा यार चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं राइड पे। तो सोचा यार छोटा सा एक प्रैंक कर लेते केशव के साथ, मतलब केशव उधर से जब आ रहा होगा ना तो कर देना यार कुछ, तो कर देना बढ़िया से। ठीक है तो हो जाएगा ना बढ़िया से प्रैंक, जैसे एवीएस के साथ हुआ था। तो यार एवीएस के साथ भी इन्होंने प्रैंक करा था, कमेंट डाउन करके बता देना कैसा लगा था यार। एक्टिंग तो ओपी वाली कर रही थी यार, ओपी वाली। आई लव भाई, मैं भी डायरेक्ट कर रहा था, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। मैं कहता हूँ एवीएस के तो मजे आ गए भाई, मजे आ गए एवीएस के। पर कोई बात नहीं, वो बाद में प्रैंक हो गया था। तो अभी कर देना बढ़िया से। केशव आ रहा है भाई, केशव का वेट करते। चलो केशव को आने दो, जब केशव आता आप सीधा मिलता आप लोगों को मोटो ब्लॉग सेटअप पे, क्योंकि यार हेलमेट मुझे लगाना पड़ेगा। तो फोन पकड़ के रखूंगा ना तो उसे यार डाउट हो जाएगा। तो यार मानसी को भेजते हैं भाई, करते हैं यार डन। भाई ये लड़की तो रेडी है भाई, प्रैंक करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। मतलब किसी को बोल दो प्रैंक करने के लिए हमेशा रेडी है, मेरे ऊपर मत करना बस कभी। ठीक है तो यार आन दो केशव को, फिर मिलते हैं आप सीधा आप लोगों को आगे। भाई क्या कर रहा है यार तू, पागल हो गया है क्या? जैसे भी अपने आप बीच में आई है भाई, पर बाइक बंद कर। बाइक उठा, पागल स्टैंड लगा, क्या कर रहा है यार, लग गई उसके भाई। दिख नहीं रहा तुझे, पागल है तू। जा तो नहीं लगी आपके भाई, तेरी जान भाई, तेरे को लड़की दिख नहीं रही तुझे यहाँ आते हुए? मुझे तुम्हें भाई लग गई, भाई लगी है उसके, पूरे पूरे लगी यार, टांग पे टायर लगा मैंने देखा उधर से यार। तेरे को समझ नहीं आ रहा चलाते हुए गाड़ी, अरे देखो यार मान लिया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ना टाइल्स के चक्कर में वो ब्रेक नहीं लगा। आपको खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई चलाता आपको बाहर से आना चाहिए, पता नहीं देखो। वो तो मैं हर्ष के पास आ रहा था, साइड में यहीं पे खड़ा होता है। आप कैसी बात पे तो मेरी जोर के लग गए यार। कहाँ जा रहे हो आप? बाहर को जा रही थी ऐसे एकदम तेज से आए, बताओ जोर की लगा यार। केश यार गलती हो गई, मैं पता है यार सच में मैंने ब्रेक पूरा दबा दी, एबीएस के चक्कर में नहीं लगी। एबीएस कभी कभी ना यहाँ पे टायर्स पे वर्क नहीं करते हैं, बस इस चक्कर में। भाई उसके टांग पे लग गई, देख तो लो कितनी लगी, लग गए उठा भी नहीं जा रहा ये पैर तो। यार रो मत यार पहले तो यार, रोने की बात है, आपको खुद तमीज होनी चाहिए, तो बहुत जोर की बात थी। भाई कर यार एम्बुलेंस वगैरह बुला कुछ कर, उसके लग गए ज्यादा यार। कहाँ रहते हो आप? यही पे रहती हूँ पास में, पता नहीं उठी नहीं रहा, दर्द हो रही है, मत करो यार। खराब उठाओगे देखो यार, यार मैं क्या करूँ यार, मैंने यार क्या करूँ यार, मैंने जान बूझ के नहीं किया यार। अरे रो मत यार पहले यार, थोड़ा शांत हो जाओ भाई। घबरा गया लड़का, घबरा गया। उठो उठाओ उठा, देख भाई नीचे नीचे चला जा रहा भाई उससे। यहाँ बैठ जाओ, बैठा भाई बैठा आराम से। भाई एम्बुलेंस बुला, कैब करवा भाई, भेजवा गाड़ी में बिठा के। भाई उसके लग गई यार, रोएगी नहीं यार वो, एक बार जी खोल लो ना अपना शूज, खोल के खोल लो, टांग सीधी करके देखो ना, अच्छे चैन है इसमें देखो, टांग सीधी करके देखो एक बार, देख उसके यार दर्द हो रहा है यार, और ज्यादा लग जाएगी यार तू यार, तू भाई इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और उसके चलो यार किसी वो क्लिनिक पर चल के पट्टी वट्टी करा देता हूँ यार, फ्रैक्चर हो गए मेरे को लगता है।
अरे इतना मत सोचो यार ज्यादा, तुम तो कुछ जा रहे हो ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग नहीं, सच में लग गए बहुत तेज के, उठ ही नहीं रहा। बताओ यार केशव, देख यार संभाल, अब क्या करेगा अब। या तो कैब बुला ले, कैब से भिजवा दे इन्हें। घर वाले यार मैं क्या कहूँ यार, तुम ना घर वाले से बात करूँ यार, मुझे फिर मुझे सुनाएंगे यार। भाई तेरे यार कैसे चला रहता है यार स्किट, मेरे को पता है स्किट तो करती है इन टाइल्स पे यार। इतनी तेज तुझे इतनी तेज नहीं लानी चाहिए थी यार, तूने पूरा दे के मारा उसमें। यार मैं मना नहीं कर रहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपका तो पैर का जो भी है थोड़ा बहुत यार जितना होगा मैं करवा देता हूँ अपनी तरफ से यार। यार एग्जाम भी है यार, उसका एग्जाम देने नहीं जाएगी लड़की, बर्बाद हो जाएगा। अरे यार एग्जाम बर्बाद नहीं होगा यार, तुम इतना मत सोचो यार, एक तो मैं सच में यार मेरा दिमाग भी खराब हो गया यार। प्लीज़ यार मैं कह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो, मैं करवा देता हूँ आपका जो भी होगा पैर में, मैं हॉस्पिटल चलता है नियर बाय, आपके पैर में पट्टी वट्टी जो भी लगेगी करवा देता हूँ यार। या पुलिस की कार से यार, पुलिस पे फालतू में ऐसा सीन कर दे यार, कौन तेज चलाता है यार, तो रोड भी है, ये तो फुटपाथ टाइप पे, यहाँ तेज कौन चलाता है यार। मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, पुलिस पुलिस का सीन मत करो यार, पुलिस मेरी बाइक बंद कर देगी यार। आप सॉरी बोलोगे मेरा फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। मैं आपको पैर वैर करवा रहा हूँ ना, पुलिस मेरी बाइक बंद कर देगी पूरी, उस पर रैप वैप करा रखा, चलान कर देगी यार मेरी बाइक पे, तो पुलिस का सीन क्यों कर रहा है यार। मैं क्या करूँ, एक तो आपने मेरे पर चीज होगी भाई, ये बताओ ये नहीं बा, वो ये ब्रेक नहीं लगा ना, गाड़ी घिस गई एकदम से, टायर घिस गए। पुलिस पुलिस का नाम तो मतलब कम से कम पुलिस का नाम तो एक तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं है, एक मेरे को ठोक दे मेरे पैर टूट गया क्या, इससे क्या यार पुलिस पुलिस का ना करे, मेरी बाइक बंद हो जाएगी यार, मेरी बाइक तो बेफालतू। अब भाई उसके लगी है चोट, मैं क्या बोलूं यार, मेरे बोलने से या तेरे बोलने से उसका पैर एकदम तो ठीक होगा नहीं। मैं कराते रहो, मैं कहता हूं चल लो यार, ये बता जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा उसका पैर। तू तो मुझे सुना रहा है भाई, जब गलती तेरी है, गलती मेरी ना, माना गलती है यार, गलती का सॉल्यूशन तो होता है यार, तू तो बेफालतू में चल रहा है। भाई मैं तो तेरे को समझा रहा हूँ यार, नहीं चलान चाहिए था तेरे को यहाँ पे ऐसे। भाई मोड़ से आया, मोड़ से आते के संग ये लड़की यहाँ से जा रही थी, भाई स्किड कर गया टायर पर, वही जैसे वर्क नहीं किया, स्किड कर गया, मेरी तो पैर की हालत खराब कर देना। आपने बताओ कल पेपर में कैसे दूंगी, क्या होगा। आज सर्विस क्या हुआ, खराब हो गई। चलो भाई देखो खेल देखते रहो बस तुम्हें बोलो। अरे मानने से क्या पैर ठीक हो जाएगा, आप बताओ, एक तो ये बताओ भाई, आप बताओ ये कोई चलाने की जगह है, कुछ बताओ। ठीक है चलाने की जगह नहीं है, मेरे से गलती हुई है, मैंने मान ली गलती, आप तो सड़क पे चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो। अगर आपके साथ होता तो भी आप यही करते क्या, मतलब अपने ऊपर आते ना सबको पता चल जाता है, सबके सामने आने की कंडीशन देखी जाती है, आप तो बिल्कुल कंडीशन क्या देखो, आप तो आराम से बिल्कुल मौज में ऐसे ऐसे चल रहे हो, दूसरे का भी देखते हैं, पे ये कोई चलाने की जगह नहीं है। दूसरे का देख रहा हूँ तभी आपसे मैं सारी चीजें कह रहा हूँ कि मैं आपको आधी पट्टी करा देता हूँ, आपको घर भिजवा देता हूँ, आप तो सुनने को रेडी नहीं हो, बस आपका पैर टूट गया, पैर टूट गया, आप बात को बढ़ा जा रहे हो, बढ़ा जा रहे हो ना, तो आप भी चिल्लाते ठीक है ना, आपको दूसरे का दर्द दिखाई दे रहा है यार, दर्द दिखाई दे रहा है इसलिए आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन आप भी बहुत देर से बहुत प्यार से सुन रहा हूँ, बहुत पोलाइट थी, आपको समझा दे रहा हूँ, आप चुप ही रहोगे फिर उसमें। यार हद हो गई, मतलब लड़के मतलब कौन तो समझ नहीं, ठीक है यार मेरी गलती है, मैंने मानी ना मेरी गलती है, तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, कान पकड़ के ऐसा सॉरी भी कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं आपकी क्या आरती उतारू क्या, एक तो आपने मेरे को यहाँ पे चोट लगा दी, सुबह मेरे को कल पेपर देना, मैं कैसे दूंगी यार, आपके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे, अच्छा मैं ड्रामे कर रही हूँ, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं यार केशव, ऐसा तो मत बोल यार, लगी यार उसका दर्द हो रहा है ठीक है, लगी है मैंने मान लिया लगी है, लेकिन एक मेरी को सुननी भी तो चाहिए, नहीं एक बात को बढ़ाने पे बढ़ाए बढ़ाए पे बढ़ाई जा रही है यार, क्या बढ़ा रही हूँ मैं, अगर आपके साथ भी होता ना तो आप भी बोलते ठीक है यार, हो गया बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा बात हो गई, मैं ना सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं कैब कर रहा हूँ, और आपके ऊपर जितना भी खर्चा हो ना, जितना भी आपके पैर में लगे, मेरा नंबर ले लो, आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपका सारा खर्चा दे दूंगा, लेकिन इस बात को ना ज्यादा मत बढ़ाओ, मैं कैब कर देता हूँ, मैं कैब को लेके आता हूँ, आप कैब पकड़ के आप चले जाओ ठीक है।
मैं पट्टी करके जा नहीं पाऊंगा, मैं क्या घर से पिकअप करके आपको छोड़ दूंगा। आपका कॉलेज है क्या है? स्कूल है? कॉलेज का पेपर है। मैं कॉलेज से ड्रॉप कर दूंगा आपके। बता यार कैसे, बता उठ भी नहीं रहा पैर, अब बताओ मैं कैसे जाऊंगी कल। यार ठीक है, मैं ना अभी कैब बुलाने जा रहा हूँ, मैं कैब को बुला देता हूँ, और आप ना मेरा नंबर लिख लो, ठीक है? आप मेरा नंबर लिख लो। सुन, घर चल रहे हैं साथ में, इनके घर वालों से भी बात कर ले भाई, चल के। अब भाई नंबर लेके यार क्या, क्या पता आप नंबर ब्लॉक कर दो, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है यार, नंबर को ब्लॉक करेंगे यार। भाई घर वालों से बात कर ले भाई, टांग टूटी भाई उसकी, छोटा मोटा सा पूरी साथ दे रहा है यार भाई। जब मेरे को दिख रहा है भाई गलती किसकी है, तो मैं साथ नहीं दूंगा। तू एक काम कर भाई, कैब बुला, हम भी साथ चल रहे इनके, ठीक है? कर ले ऑर्डर भाई। देख फिर भी ये घर जाके सुनेगी इसको, तो वो भी तो जाके सुनेगी फिर। हद क्या हो गई मानसी ओ भाई डर गया लड़का पूरा पहने पहने जूता पहने, कर दे यही खत्म करे इसका क्या। भाई बहुत डर गया वो कैब बुलाने गया वो सही में ओ भाई क्या एक्टिंग करती हो बहुत अच्छी थी, मेरे को लगा सही में ना लग गई हो तुम्हारे और इसे कैसे समझाऊं प्रैंक था मेरे को डर लग रहा है मेरे को, कह रही हो खुद देखो आ जाओ ऐसे ऐसे करके चले, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके चलते हैं। केशव केशव भाई 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 प्रैंक था ब्रो, प्रैंक था। ये मानसी है मेरी फ्रेंड, एंड मानसी है केशव मेरा दोस्त, जिसके आ जाओ, चलो 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 छाओ में चलो। तो भाई प्रैंक था तो तेरे ऊपर ही चढ़ूंगा, तेरे ऊपर प्रैंक था तेरे को ही सुनाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, प्रैंक था। उसके सच में लग जाती तो। अरे नहीं लगती ओ, देखो नाराज हो गया कैसे कैसे बच्चे हैं मेरे साथ, उल्टी बात कर रहा है यार। बेबी आप नाराज हो गए, बेबी आप नाराज हो गए, मत खा के चले यार पीछे का। अरे ऐसे थोड़ी ना यार, मेरे भाई के साथ देख रंग अभी भी लगाओ, देख तोतिया रंग भाई, मजाक नहीं कर सकता भाई के साथ। चल मजाक कर सकता, मजाक ऐसा कर जिसमें उसके चोट ना लगे, मेरे चोट ना लगे, उसके चोट लग जाती तो अब नहीं लगती भाई। पता है ऐसी हो गई थी जब तुम घर पर जाने की बात कर रहे थे, मैं फट गई थी भैया, घर जाके कभी पीठ पाट ना दे और तू यहाँ पे फालतू मजे ले रहा है और हंस रहे हो यहाँ पे खड़े होकर दोनों के दोनों। सॉरी सॉरी, मजाक था भाई, मजाक था, कोई बात नहीं, मजाक था, सॉरी सॉरी बेबी सॉरी। ये ऑन है कैमरा भाई, गाइस सॉरी गाइस भाई सॉरी। चलो चलो आई लव यू, आ जाओ उठ जा। अच्छा हाथ तो मिला लो, दोनों दुश्मनों हाथ तो मिला लो, भी लड़ रहे थे ऊपर डाउनलोड कर रहा था वहाँ पे खड़ा होके तो भाई अब चले भाई, मैं सोचा छोटा सा प्रैंक कर लूं भाई के साथ। तो गाइस यार केशव पे हो गया बहुत भयंकर वाला प्रैंक, भाई साहब किलस गया बंदा। चलो कोई बात नहीं है, तो चलता रहता भाई, चार घंटा भाई इतना ज़्यादा देर कितना नाराज होगा, एक घंटा दो घंटा, कल का फिर अपने साथ ही आएगा वीडियो बनाने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर यार ऐसे प्रैंक करते रहना चाहिए, क्योंकि यार मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया कि यार ब्लॉग आपको डेली दूंगा आप लोगों को, तो भाई कुछ ना कुछ तुम्हारे भाई को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो आज मैंने भाई पे प्रैंक कर दिया। तो यार चलो देखते यार, अभी भी नाराज है क्या नहीं है भाई, भाई नाराज हो, नाराज है नाराज चलो मान गया मान गया, राजा जी मान गया। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर रैप अप कर रहा हूँ, होप कि यार आप लोगों को मजा आया हो, अगर वीडियो पसंद आई तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यार चलते हैं घर की तरफ, हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सारे भाइयों को जय श्री राम।